खाना तो हम बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, लेकिन अगर उसको प्रेजेंट भी सही तरह से किया जाए तो खाना खाने का मजा डबल हो जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बफे टेबल को अरेंज करने की कुछ टिप्स। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सबका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आमीन। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने का, पसंद करने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, और साथ साथ नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं जब अपलोड करूँ कोई वीडियो तो सबसे पहले वो वीडियो आप देखें। और साथ साथ मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ वो टिप्स बफे टेबल को अरेंज किस तरह से किया जाता है, क्योंकि अब ईद आने वाली है और बहुत सारी दावतें शुरू हो जाएंगी ईद पर। इनफैक्ट हर किसी के घर में गेट टुगेदर होती है, या हम जाते हैं या हमारे घर कोई आता है, और जब कोई आता है तो होस्ट का बड़ा बुरा हाल होता है अगर वो इंडिविजुअली हर किसी को सर्व कर रही होती है। तो ये बफे टेबल वाला जो आइडिया है ना, ये मुझे बड़ा पसंद आता है। मेरे घर भी जब दावतें होती हैं तो मैं इसी तरह से अरेंज कर लेती हूँ बफे टेबल अपना। हर कोई सेल्फ सर्विस होती है और मैं खुद भी इंजॉय कर रही होती हूँ उनके साथ। तो लेकिन बफे टेबल किस तरह से अरेंज किया जाए, कुछ टिप्स, कुछ आइडियाज़, वो आपके साथ आज शेयर करूंगी। मैं आपको अपनी एक फ्रेंड से मिलवाऊंगी जो कि एक सर्टिफाइड शेफ और इवेंट प्लानर है, शैला शाहिद। उससे कुछ टिप्स ले लेते हैं। आज मैं जा रही हूँ एक छोटी सी गेट टुगेदर में फ्रेंड्स की। आज हमें आप बताइए कि ईद का दिन है, और आज नहीं है मतलब कि तैयारियों में है, तो मैं चाह रही थी उससे पहले हम प्लान करें, अगर ईद की हम छोटी सी गेट टुगेदर अपने घर में प्लान करते हैं तो उसको किस तरह से हम डिवाइड करें टेबल्स में, ताकि वो छोटी सी एक स्पेस में हम सारा कुछ बहुत ईजीली सेटअप कर लें। एग्जैक्टली सर। तो जब हम घर में पार्टीज़ करते हैं, स्पेशली जब आप लोगों को बुलाते हैं, टेबल खाना हम इतना इंतज़ाम कर रहे होते हैं, टेबल शुड लुक गुड, और वो इस तरह लगनी चाहिए कि आप एक तरफ क्राउडेड नहीं हो जाए, और हम घर से अपनी छोटी छोटी चीज़ें निकालें, उसी को इस तरह प्रेजेंट करें। मैं आपको ये नहीं कहती आप बाहर से जाएँ, चीज़ें इतनी महंगी ख़रीदें, और मैं आपका शो आपको दिखाऊँगी कि किस तरह मैंने घर की चीज़ों को हमने किस तरह दूसरी तरह से यूटिलाइज़ किया है, और क्या जब टेबल आप बफे सेट कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी लुक कैसी होनी चाहिए, हाइट्स हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं देख रही हूँ दो टेबल्स हैं, एक तरफ जो है वो मेन कोर्स है, एक तरफ डिज़र्ट और बाकी चीज़ें जो हैं। एग्जैक्टली। सो गज़ल, ऑलवेज इट्स बेटर अगर हम दो तरफ डिवाइड करें और पहले से सेट करके रखें। आखिरी वक्त में ये नहीं कि हमारे पास जगह नहीं है, पहले खाना ख़त्म हो रहा है फिर हम मीठा निकाल रहे हैं, आपको उस वक्त आप पैनिक कर जाते हैं। इतने लोग आपके घर पे बैठे हुए, कुछ लोग जल्दी निकल रहे होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, उनको होता है कि जल्दी से डिज़र्ट निकले और वो निकले। तो आप पहले से अगर सेट करके ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और दो स्पेस देते हैं, ये नहीं कि खाने वाले अगर खाना खा रहे हैं जो पहले ले लिया तो वो डिज़र्ट पर आराम से उनको स्पेस हो इतनी। तो ये घर में ही मैंने अभी सेटअप जो मैं आपको शो करूँगी, एक घर के अंदर ही हमने एक छोटे एरिया में किया है, लेकिन आपको आइडिया होगा किस तरह आपने टेबल को प्रेजेंट करना। ठीक है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से खाने पकाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी हो जाती है तो खाने का मज़ा भी आई थिंक विच इज़ फॉर मी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब थोड़े से हम टिप्स ले लेते हैं शैला से, मैं आपको दिखाती भी जाती हूँ कि किस तरह से ये सेटअप किया है शैला ने। ओके, अब हमने यहाँ पर प्लेट से स्टार्ट किया। ऑलवेज रिमेंबर, प्लेट्स, स्पून, कटलरी हमने एक तरफ रखी है। नैपकिन फर्स्ट हमने स्टार्ट किया सैलड। ठीक है, ठीक है, सैलड हम रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस इस किस्म की है। ठीक है, आपके पास जब लिमिटेड स्पेस होती है तो यू हैव टू मेक श्योर के लोगों का जो फ्लो है वो ब्लॉक नहीं हो, तो हमने जैसे इजीली मैनेज कर सके। सो हमने जैसे यहाँ से प्लेट लोगों ने ली, यहाँ पर कटलरी रखी है, नैपकिन रखे, दिल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, फिर हमने सैलड स्टार्ट किया यहाँ पर चटनी के साथ, हमने एक छोटे से ट्रे में करके कर दिया ताकि थोड़ा सा ये एग्जैक्टली एक लुक भी आ रही है और एक जगह रखा हुआ भी है, ये नहीं कि हौच कौच हो रहा है। फिर उसके बाद ये हमारे शेफर्स मैंने रखे में, जिसमें हम सारे हॉट आइटम्स रखेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर जब आप अरेंज कर रहे हो, ये आप एक रात पहले भी कर सकते हैं, ऑलवेज पेपर पर लिख के आप रख दें इसमें क्या जाएगा। आपको भी ईजी होता है जब आप चम्मच रख रहे होते हैं या कटलरी वगैरह रख रहे होते हैं, तो आपके लिए भी इजी रहता है। अच्छा, अगर खाने पीने की चीज़ों पर उसके नाम भी लिख लिए जाएं तो लोगों को बड़ी आसानी होती है, क्योंकि कुछ लोगों को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं। सो हम स्टार्ट करें हॉट पे, ये पहले से आप कर सकते हैं शेफिंग डिश में। ऑलवेज रिमेंबर कि आप 2-3 घंटे तक खाना गर्म रहता है, आप गर्म करके शेफर्स के अंदर डाल सकते हैं, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। फिर ये हमने ये सारे हॉट आइटम्स हैं, रोटियों को हमने
क्योंकि जब ख़त्म होगा आपका तो यहाँ पर रोटी वगैरह रखी हुई है। अच्छा अब आप इस टेबल को देखें, मैंने घर से सारी चीज़ें निकाली हैं। मैं आपको एक वाज मैंने घर में ही रखा हुआ था जिसको मैंने यूज़ किया है, सिंपल से फ्लावर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा एक कैंडल होल्डर था, फ्लावर्स डाल के इसको उल्टा करके यूज़ कर लिया। तो आपके पास भी जब चीज़ें घर पे हों अगर आप नीचे रखेंगे। ये क्या है, हाइट किस तरह दे सकते हैं ये देखें, ये एक बोल है, खाने का बोल है। आपने इसको लेकिन इससे क्या होगा, आपकी हाइट्स आप देते हैं तो खाना आपका स्पेस भी बच जाती है। एग्जैक्टली, स्पेसिंग भी हो जाती है और लुक भी अच्छी हो जाती है। उसके नीचे मैंने घर के आम से बोल्स को यूज़ किया है हाइट देने के लिए। जब मैं यहाँ डिज़र्ट रखूँगी तो उसका एक रिफ्लेक्शन आएगा। ये आप कुछ भी कर सकते हैं घर में, आपके पास सिंपल से मिरर पड़े हुए, यूज़ योर मिरर्स, मिरर से रिफ्लेक्शन बहुत खूबसूरत आता है। अगर आपके पास इतनी स्पेस हो कि छोटा सा टेबल कॉर्नर में रखा जा सकता है तो उस पर आप अपनी ड्रिंक्स या पानी भी रख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था तो हमने इसी पे मैंने ड्रिंक्स भी रखी हुई। इधर हमने पाँच बोल्स रखे हुए, पाँच बोल में भी मैंने देखी हाइट डाली हुई है। हाइट से एक चीज़ ये होती है कि गिरता भी नहीं है। मैंने साथ में उसके ग्लासेस रखे हैं यहीं पर। डिज़र्ट्स हम ले रहे हैं वो भी मैंने, अच्छा मैं आपको दिखाऊँ, इसमें भी मैंने एक नॉर्मल सा केक प्लैटर यूज़ किया है, सिंपल सा कोई केक प्लैटर, सिर्फ हाइट देने के लिए। और डिफरेंट कलर के फ्रूट्स को एक साथ रखने से फ्रूट प्लेटर जो है वो बहुत कलरफुल भी हो जाता है। जब आपने पाइनएप्पल काटा उसके ऊपर के डाल दिया, और इस तरह से छोटे छोटे फ्रूट्स काट के रखने से लोगों को बहुत आसानी हो जाती है कि वो हर चीज़ ट्राई कर सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें ऐड करने से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ये रियल लीव्स है, इसको आप मैंने ज़्यादा कलर देने के लिए, गोल्ड करने टच देने के लिए इसको मैंने पहले से पेंट करके रख दिया था। आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे, आप किसी भी कलर में पेंट कर सकते हैं। और गोल्ड कलर से एक फॉर्मल और एक फेस्टिव लुक आ जाता है, ज़रा बहुत प्यारा लगता है। सो दीज आर ऑल रियल फ्लावर्स, रियल लीव्स जिनको पेंट किया गया है। तो बस हमेशा याद रखिएगा कि हर चीज़ जो है प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए, प्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर एक दिन पहले आप अरेंज करके रख दीजिए। खाने जो है वो लास्ट मोमेंट पर आप रख सकते हैं। इस तरह से आपकी जो दावत है वो बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप हर चीज़ एंजॉय करेंगे लोगों के साथ। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हाइट क्रिएट की गई है, इसी तरह से आप हाइट के लिए बहुत सारी और चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। और साथ में आपने ये भी नोट किया होगा कि हमने बड़ा डिज़र्ट तो रखा है, यानी मीठा जो है वो बड़ी डिश में भी रखा है और उसके साथ छोटे छोटे कप्स में भी रखा गया था, ताकि जो लोग बहुत कम मीठा खाते हैं वो छोटा सा कप उठाकर खा सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा लेना चाहते हैं। इस तरह से खाना आपका ज़ाया नहीं होगा। फ्रूट्स आपने छोटे छोटे पीसेस में काट के रख दिए तो जिसे जो चीज़ चाहिए वो उस तरह से उठा के खा सकता है। हमने केक जो रखा था उसके भी छोटे छोटे पीसेस करके हमने पहले से रख दिए थे ताकि लोगों को आसानी हो और फौरन से वो छोटा सा पीस उठाकर खा सकें। अच्छा एक चीज़ का और भी हमने ख्याल रखा था कि हम जहाँ टेबल्स को सेट करें उसके पीछे जो वॉल है उस पर कोई पेंटिंग लगी हो या वो खूबसूरत वॉल हो, यानी लोग जब खाना उठाएं तो उनको एक अच्छी चीज़ नज़र भी आए दीवार पर, ऐसा ना हो कि बिल्कुल प्लेन वॉल के साथ आपने कुछ रख दिया। इस तरह से बीच में आप कैंडल स्टैंड अपने रख लें, और टेबल पर जब आप सेट करें तो अगर खूबसूरत टेबल है तो उसको ऐसे ही छोड़िएगा, वरना आप कवर भी कर सकते हैं उस टेबल को। वेरी यूजफुल टिप्स जो आपने हमें दी, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। आपने देखा कि छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ा डिफरेंस ले आती हैं हमारी प्रेजेंटेशन में। तो कभी कभी एक छोटे से आइडियाज से हमारे जहन में बहुत सारे और आइडियाज आते हैं, तो किसी भी चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा जगाए रखा करें। अब मुझे जल्दी से कमेंट्स के जरिए बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। और साथ ही मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसके लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने प्री मेच्योर रिंकल्स के बहुत सारे रीजंस और सॉल्यूशंस शेयर किए हैं।